नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए हैं आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो में एक मतलब रिसेंटली इंसिडेंट है, एक तमिल एक्ट्रेस है जिन्होंने मतलब इंडस्ट्री छोड़ के और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, उसका एक वीडियो है जिस पर हम अपना रिएक्शन देने वाले हैं। भाई हम तो जानना चाहते हैं कि क्या रीजन रहा कि वो पाक जो रिलीजन है उनकी तरफ चली गई और वो कन्वर्ट हो गई है ना। तो चलिए भाई, और मैं उन एक्ट्रेस का भी जानना चाहूंगी, ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है, मैं भी तो देखूंगा। चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि फिल्मी दुनिया एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जाना और काम करना इंतहाई कम वक्त में, अय्याशी के साथ दौलत और शोहरत कमाना बहुत से नौजवान लड़की और लड़कों का ख्वाब बन चुका है। क्योंकि फिल्मी दुनिया में दिखाई जाने वाली अय्याशी और मौज मस्ती की चकाचौंध रोशनी नौजवानों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है, जिससे बाहर आना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन दोस्तों अल्लाह के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अल्लाह सभी के दिलों को फेरना जानता है और हिदायत अल्लाह के फजल से है जो हर किसी को नहीं मिलती। दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको दीपिका कक्कर के बारे में बताया था कि कैसे वो अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में दाखिल हुई, इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को कबूल किया और फिर इस्लाम के ही खातिर फिल्मी दुनिया को खैराबाद कर दिया। दोस्तों अगर अभी तक आपने दीपिका कक्कर के कबूल इस्लाम की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं तमिल एक्ट्रेस मोनिका के बारे में। दोस्तों मोनिका का शुमार भी भारत के उन मशहूर एक्ट्रेस में होता है जिसने अपने ख्वाब के तकमील और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने के बाद अचानक दिली सुकून हासिल करने के लिए न सिर्फ इस्लाम को कबूल किया बल्कि इस्लाम के खातिर इंडियन फिल्मी इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया। मोनिका के हिंदू घराने में पैदा होने से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँचने और फिर इस्लाम के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देने का सफर दंग करके रख देने वाला है। मोनिका 25 अगस्त 1987 में भारत के मशहूर रियासत केरला में पैदा हुई। दिलचस्प बात यह है कि इनके वालिद हिंदू हैं और इनके वालिदा ईसाई हैं। मोनिका ने भारतीय फिल्मों में बतौर मेन अदाकारा का सुहाना ख्वाब पूरा करने के लिए बचपन से ही शोबिस इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। बेशुमार कुर्बानियों और अंथक मेहनत के बाद बिल आखिर मोनिका फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गई, मगर शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचते ही दिली सुकून हासिल करने के लिए जब इन्हें इस्लाम की सच्चाई पता चली तो इन्होंने 30 मई 2014 को न सिर्फ इस्लाम को कबूल कर लिया बल्कि इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली ताकि वो अपनी आखिरत को संवार सके। इनके इस फैसले से इनके बहुत से हिंदू फैंस ने काफी नाराजगी का इजहार भी किया जिसमें इन्होंने अपने फैंस को बताया कि मैं किसी लालच की वजह से नहीं बल्कि इस्लाम के उसूलों से मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल कर रही हूं और आज से मेरा नाम एमजी रहीमा है। दोस्तों अक्सर बोल्ड आउटफिट में नजर आने वाली मोनिका अब वो हर जगह हिजाब में नजर आती हैं। दोस्तों हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी हिदायत के लिए दुआ मांगना चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम बुरे कामों से हिफाजत फरमाए और दीन की सही समझ अता फरमाए। देखिए भाई ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको आपकी लाइफ की मंजिल मिल जाती है, उसको ढूंढने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, जब तक भी उनको सही राह नहीं मिल जाती है। हम लोग बहुत हैप्पी हैं कि हमें हमारी सही राह मिल चुकी है और हम जिनको भी पूछते हैं, हम जिनकी भी इबादत करते हैं, राइट, वो हमारे ट्रू गॉड है, हम उनको ही ट्रू गॉड मानते हैं। जैसे हम कृष्ण जी को या फिर खाटू श्याम जी को या फिर सालासर बालाजी को या फिर देवी माँ को जिसको भी पूछते हैं वो हमारे लिए ट्रू गॉड है। और इनके लिए इस्लाम में इनको जो ये चीज ढूंढ रही थी वो इस्लाम में जाकर मिली, वो अच्छी बात है यार। देखिए सुकून मिलना चाहिए इंसान को, एक ही लाइफ होती है ना, एक ही लाइफ होती है, आपको सुकून मिलना चाहिए, सुकून की जिंदगी जियो, हम तो यही चाहते हैं। और आपको अभी भी आपको आप अगर इस्लाम में हो तो हम तो बोलते हैं भाई इस्लाम में हो और आपको हिंदू धर्म पसंद हो तो आ जाओ भाई, सबके लिए स्वागत है, और किसी हिंदू को पसंद हो तो वो चले जाओ, या मुस्लिम ही नहीं क्रिश्चियनिटी हो बुद्धिज्म हो, मैं तो इतना इन्फ्लुएंस होता हूँ ना बुद्धिस्ट से, इतना मुझे पसंद है बुद्धिज्म,
इतनी अच्छी तरीके से वो रहते हैं, इतना डिसिप्लिन उनमें होता है, क्रिश्चियनिटी में सिंपल लोग होते हैं, बहुत बहुत रिलीजन है यार, बहुत डाइवर्स ही यहाँ, डाइवर्स मतलब जो इंडिया है, किस लिए इंडिया जाना ही अपने रिलीजन के लिए जाता है कि यहाँ पर इतने सारे रिलीजन के लोग हैं जो कि हर एक टाइप साथ के रहते रिलीजन हैं। मिलेंगे, हर टाइप के रिलीजन के लोग यहाँ मिलेंगे। हर फेस्टिवल जहाँ सेलिब्रेट होते हैं, ईद पे हम लोग भी, मेरी फ्रेंड्स के यहाँ हम लोग जाते हैं सेलिब्रेट करने, बहुत मजा आता है। और मेरी फ्रेंड जाती यार है हम दिवाली पे हमारे यहाँ देखो सेलिब्रेट करने। 25 दिसंबर को हम लोग चर्च जाते हैं, हमने पहले भी बताया था। तो चलिए बस आज के लिए बाकी इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में बहुत बहुत ही ही जल्द, जल्द, तब तब तक तक के के लिए लिए आप अपना अपना ध्यान ध्यान रखें, रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारा रिएक्ट आपको कैसा लगता जल्दी है। मिलेंगे, चलिए थैंक नमस्कार। यू।